So let's invite Priya और यहाँ से शुरू करते हैं। Thanks very much। हम तो सभी को प्यार करें नमस्कार और मैंने इसलिए कोई प्रिपेयर नहीं किया जो आगे मैं आपसे बात करूँगी। मुझे इतनी हिंदी अच्छी नहीं आती, जब भी मैंने कोई गलत लफ्ज यूज किया मुझे माफ करना। उनके पहले मैं प्रेजेंट बात करती हूँ कि मैं स्कॉटलैंड में रहती हूँ और मेरे दो बच्चे हैं। मैं हॉस्पिटल में काम करती हूँ, मैं मॉडलिंग करती हूँ, मैं स्टडी करती थी, अभी रिसेंटली मैंने MBA फिनिश किया है और मैं साइड में बिजनेस करती हूँ और मैं बहुत सक्सेसफुल हूँ। अकॉर्डिंग टू मी बहुत अच्छी इनकम है और सबसे पहले मैं बहुत खुश हूँ और मैं अपने आप को बहुत प्यार करती हूँ। आई थिंक जी मेरी लाइफ जी प्रेजेंट है और ऐसे कि आप क्योंकि आप सभी ऐसे कि आप इतना अच्छा लाइफ स्टाइल हो गया कि लोग सोच रहे हैं कि जी इतना कैसे लाइफ स्टाइल है, लक्जरी है, एवरीथिंग है, हॉलीडे जाते हैं, तो वो लोग अब कहते हैं कि इसको पता नहीं बॉर्डन मिला था, जन्म से मिला है, सब कुछ कैसे मिला है, सभी ऐसा सोचते हैं। पर ऐसा कुछ भी नहीं था। पहले कि मैं आपको अपने पास में लेके जाती हूँ कि मेरी पास लाइफ कैसी थी, टोटली डिफरेंट थी। क्योंकि मेरी पास लाइफ ऐसी थी कि मैं एक छोटी सी पंजाब में बॉर्न हुई थी। जैसे कि हमारे गांव, हम छोटी से पिंड में बॉर्न हुई थी। जो मेरी एजुकेशन थी वो एक सरकारी स्कूल में हुई थी, वहाँ पे मेरा पंजाबी मीडियम था, इंग्लिश में मैंने स्टडी नहीं की थी। तो एक ऐसा जो मिडिल क्लास फैमिली होती है वैसे ही था, जैसे हम मैगजीन में पिक्चर देखते थे कि हाँ ऐसा लाइफ स्टाइल चाहिए, ऐसा चाहिए, वो नहीं था, एक डिज़ायर थी। ऐसा फिर क्या हुआ, तो फिर मेरे डैड कैनेडा चले गए, तो हम उनके साथ कैनेडा चले गए। तो 17 में मेरी शादी हो गई। तो वो जो एक एजुकेशन, हाई एजुकेशन का सपना था, एक मॉडल बनना था, वो सारे सपने वहीं चले गए। शादी हो गई, बच्चे हो गए, 10 साल में हाउस वाइफ रही, बच्चों की और कंट्री की। तो एक था लेव रहे थे कि वो लाइफ में खुशी नहीं थी, ब्लेम थी, वो शादी हो गई और बच्चे हो गए, अब लाइफ में कुछ नहीं कर सकते, घर खाना बनाना है, जो एक नॉर्मल लाइफ स्टाइल होता है वैसा ही था। फिर भी क्या करें, तो ऐसे कि फिर बच्चे बड़े हो गए तो वहाँ पे आपको काम करना पड़ता है, क्योंकि फिर क्या करूँ। तो मैंने जॉब अप्लाई की, कोई जॉब ही नहीं मिल रही थी। तो फिर मुझे एक जॉब मिली क्लीनिंग के लिए, वहाँ पे मैं इंटरव्यू के लिए गई। तो वो कहते हम आपको जॉब नहीं देंगे क्योंकि आपके पास एजुकेशन नहीं है। आई थिंक वो मेरा लाइफ चेंजिंग मोमेंट था। तो फिर जब मेरी कार्ड आई तो मैंने डिसाइड किया मुझे क्लीनिंग की जॉब नहीं मिल रही। ओह माय गॉड, मैं कितनी यूजलेस हूँ, ऐसा इतना वो माइंड में आया कि आई कैन डू एनीथिंग। और वो बहुत सैड मोमेंट था, आई वॉज वेरी अपसेट। तो फिर आई थिंक वो अच्छा भी हुआ कि उन्होंने मुझे ऐसा बोला कि आपने कर। फिर उस दिन मैंने अपने आप से बात की कि मुझे कैसा लाइफ स्टाइल चाहिए, मुझे ऐसे रोल हो के जीना है और मुझे स्ट्रॉन्ग होके जीना है। और अब मैं ब्लेम करूँगी, मेरा हस्बैंड मुझे सपोर्ट नहीं करता, मेरी मदर लॉ मुझे सपोर्ट नहीं करती, मेरे बच्चे हैं, घर का काम है, कुकिंग, क्लीनिंग, इसको ब्लेम करना। और मैंने अपने आप को जो एक ड्रीम लाइफ है उसको लिव करना है। फिर मेरे अंदर से बाहर आई, हाँ वो जो मेरी ड्रीम लाइफ है मैंने उसको लिव करना है। तो फिर मैंने कहा बहुत हार्ड होगा, मैं उसके लिए तैयार हूँ। तो अंदर से बाहर आई, जस्ट टेक अ स्टेप, आई एम विद यू, आई डोंट नो, पता नहीं वो क्या बात थी। उसके बाद फिर मैंने सोचा मुझे क्या चाहिए। फिर मैंने खुद से मैंने बात की। उसमें ऐसा होता है कि हम अपने आप से बात नहीं करते, हम नहीं पूछते हमें क्या चाहिए, हमने पूछा ही नहीं कभी। हम हमेशा माम डैड कहते हैं जी करो, हम वो ही करते रहते पर नहीं पूछा। तो मैंने खुद से बात की मुझे क्या चाहिए। तो फिर वो एक लाइफ स्टाइल बन गया, मुझे हाई एजुकेशन लेनी है, मुझे यूनिवर्सिटी में जाना है, मुझे मेडल लेना है, बहुत हाई एजुकेशन लेनी है। तो ऐसे कि इंग्लिश तो आती नहीं थी क्योंकि सरकारी स्कूल में मैंने 10th क्लास की थी। तो क्या करूँ, इनकम भी चाहिए, पैसे भी चाहिए, बच्चे भी करने हैं, क्या करूँ सब मैंने फिर सोचा। तो फिर मैं क्या करूँ। फिर मैंने कहा बच्चे स्कूल जाते हैं तो काम तो नहीं मिलेगा क्योंकि एजुकेशन नहीं है। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने रेकी सीखी, वो ही मैं फोन से सीखी, टैरो रीडिंग सीखी, मैंने फ़ोन पे सीखा, मैंने प्रैक्टिस की। फिर मुझे एक कंपनी में मुझे जॉब मिल गया, फिर वहाँ से मुझे साइड इनकम मिलने लगा। फिर मैंने एक ट्यूटर रख लिया, फिर मैंने उसको 2 साल ट्यूटर लिखा, मैंने अपनी इंग्लिश अच्छी आ गई, लिखनी आ गई। तो फिर मुझे अच्छी जॉब, फिर मुझे हॉस्पिटल में जॉब मिल गई, फिर मुझे यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल गया। तो फिर मैं यूनिवर्सिटी में बहुत अच्छे मार्क लेके पास हुई, मुझे मेडल मिला, इतनी अच्छी।
फिर मुझे मॉडलिंग का बहुत शौक था कि मुझे मॉडल बनना है, जैसे एक्ट्रेस कपड़े पहन लिया वैसे पहना. तो फिर मैंने जिम ज्वाइन किया, मैंने अपनी बॉडी को बहुत टोन किया, एक्सरसाइज की जो भी था. तो फिर एक्चुअली ऐसे कि मैं शादी में गई तो किसी फोटोग्राफर ने मुझे देखा कि आप मेरे लिए मॉडलिंग करेंगे, इंडिया में रहते थे हम मंदिर जाते थे, गुरुद्वारा जाते, हमारे पास टूर बैने होते थे मत्था टेकने के लिए. तो फिर मैंने इतना पैसा बनाया, फिर मैंने मैंने 60 बच्चों को अडॉप्ट किया, मैंने उनको इतनी अच्छी एजुकेशन मिली जो मुझे नहीं मिली थी. That's an achievement. Ultimate. Sorry. Now you get the answer from the client. तभी मैंने कहा कि मैं अपने आप से प्यार करती हूँ. ऐसे कि कई लोगों में हिम्मत नहीं होती कहने की आई लव माई सेल्फ. तो जब मैं काउंसलिंग करती हूँ मैं लोगों को कहती हूँ आप अपने बारे में क्या सोचते हैं, कहती हम अच्छी नहीं है, हमारी बॉडी का जे पार्ट अच्छा नहीं है, हमारा नो कैस, वो ऐसे ही बोलते हैं. तो आई थिंक वो जब आप अपने आप को प्यार करते हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, सच में आपकी लाइफ इतनी चेंज हो जाती है आप यकीन नहीं करते. ऐसे कि सब भी अब मैं लिव कर रही हूँ तो मुझे यकीन नहीं आती कि ये ड्रीम है और रियलिटी है. तो आई थिंक ऐसा कि दो चीज़ें मैंने सीखी. पहले तो अपनी ब्लेम किसी को मत करो कि हम पुअर फैमिली में बॉर्न हुए हैं, हमें कुछ नहीं मिला. जस्ट टेक एक्शन, ये करो और अपना आउटकम डिसाइड करो. तो दूसरा ये होता है कि आपको वर्क हार्ड करना पड़ेगा, कुछ भी अचीव करें वर्क हार्ड करें. जैसे आपने कहा लो अट्रैक्शन, मैंने इसकी तो मैंने अपनी लाइफ में ट्राई किया तो मुझे मर्सिडीज लेनी थी. तो इसलिए मुझे हमेशा मैं मर्सिडीज की पिक्चर देखती थी, मेरे पास वाइट कलर की मर्सिडीज है, मैं उसको ड्राइव कर रही हूँ तो मुझे सितंबर तक वो मर्सिडीज चाहिए. उसके लिए मैंने पैसे कैश देने हैं. तो उसके लिए मैंने फिर काम किया, फिर मैंने उसको मैंने 20 लाख मैंने किसको कैश देना. तो मैंने काम किया, पैसे कैश दे के मैंने वो मर्सिडीज ली. वही गाड़ी स्टोर में थी जो मैं एक्शन है वो बहुत अच्छा है, पर आपको उसमें एक्शन लेना पड़ेगा. जब तक आप काम नहीं करेंगे वो आपको नहीं मिलेगा. तो ये था. और मैं बहुत खुश हूँ अपनी लाइफ में और मुझे चाहता कि बहुत अच्छा लगा. और ऐसे कि पेज से मैंने जब मैंने NLP सीखनी थी तो मैंने काफ़ी रिसर्च करी थी कि मैं सीखूँ क्या करूँ. तो काफ़ी ट्रेनरों को मैंने फ़ोन किया. मैं बताऊँ मेरी पहली कन्वर्सेशन कैसे, ऐसे कि मैंने एक ट्रेनर को फ़ोन किया कि मैं NLP सीखना चाहती हूँ. तो उन्होंने पहले ही कहा कि कहते हैं कि आप कौन सा फ़ोन यूज़ करते हैं. मैंने कहा मैं iPhone यूज़ करती हूँ. कहते हैं आप मेरी वाइफ के लिए iPhone भेजो. तो मैंने जब मैंने बेस को फोन किया मैंने कहा आप हमसे कोई गिफ्ट गुफ्ट तो नहीं मांगेंगे. मैंने कहा मैंने आपका आईफोन गिफ्ट नहीं देना, पहले से यदि आपने सिखाना है तो सिखाओ, मैं आई विल नॉट गेट एनी गिफ्ट. तो पहले हमारी ऐसी कन्वर्सेशन हुई थी कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है. तो मैंने कहा मैंने 2-3 लोगों से बात की, उन्होंने यही कहा कि हमें आईफोन भेज दो. मैंने कहा हम नहीं भेजेंगे, मैं वो चैरिटी को पैसे दे दूंगी.